हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पोरवाल सिस्टर्स। तो देखिए, आज हम एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 8 तक मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में करवा चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए, क्वेश्चन 9th है हमारा इफ, ये हमें इक्वेशन दे रखी है पूरी और बोला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, यानी कि हमें इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम एज इट इज़ इसको नोट कर लेंगे, फिर इक्वल टू लगा के अब हमें यहाँ पे क्या प्लस करना है। अब हमें प्लस करना है, देखिए यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और यहाँ ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है और सब सॉरी प्लस और सबसे ज़्यादा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या मैटर करता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसमें क्या है, दो रो है और दो कॉलम है और इसमें भी दो रो है और दो कॉलम है, यानी कि ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इन दोनों में प्लस हो सकता है। तो देखिए, इन दोनों को प्लस करेंगे तो एक्स प्लस फोर एज इट इज आ जाएगा, सिक्स प्लस एक्स प्लस वाई तो सिक्स प्लस एक्स प्लस वाई, फिर आप सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम को ऐड करेंगे तो माइनस वन प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, माइनस वन प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, फिर यहाँ पर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम है टू 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 डब्ल्यू और यहाँ पर है थ्री, तो यहाँ पर आ जाएगा टू डब्ल्यू प्लस थ्री, टू डब्ल्यू प्लस थ्री। अब देखिए, यहाँ पर थ्री का क्या मल्टीप्लाई करने को बोला है तो हम थ्री का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो थ्री का हर एक के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स थ्री वाई थ्री इंटू जेड थ्री जेड थ्री इंटू डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ पर अब इसे एज इट इज़ नोट कर देंगे, हम इसे एज इट इज़ नोट कर देंगे। अब देखिए, ये दोनों इक्वल टू में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेरेबल मैट्राइसेस यूज़ करेंगे, यानी कि हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो बाय कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, बाय कंपेयर करेंगे तो थ्री एक्स को क्या करते हैं, हमेशा फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से ही कंपेयर किया जाता है, जैसे एडिशन में फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को ही कंपेयर करते हैं, उसी तरह इसमें भी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को ही कंपेयर करेंगे, तो क्या आ जाएगा, थ्री एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फोर, तो थ्री एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फोर। अब थ्री एक्स यहाँ पर ये प्लस का एक्स है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो थ्री एक्स माइनस एक्स इक्वल टू फोर, यहाँ पर आ जाएगा थ्री एक्स माइनस एक्स, यानी कि थ्री एक्स में से वन एक्स जाएगा तो कितना आ जाएगा टू एक्स, टू एक्स इक्वल टू फोर। अब यहाँ पर टू मल्टीप्लाई में तो इसे नीचे भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो टू डिवाइड में जाएगा फोर के, तो टू से फोर टू टाइम कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर टू। अब एज इट इज़ हम सेकेंड वाला कंपेयर करेंगे, थ्री वाई है यहाँ पर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, यहाँ पर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम क्या है, सिक्स प्लस एक्स प्लस वाई, तो हम यहाँ लिखेंगे थ्री वाई इक्वल टू सिक्स प्लस एक्स प्लस वाई लिखेंगे, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन दे देंगे, इसे हम नेम, इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया, इसे हम सेकेंड इक्वेशन दे देंगे। अब थर्ड क्या हमारे पास, हमें क्या बोला है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम यहाँ पर और ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो थ्री जेड इक्वल टू माइनस वन प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे थ्री जेड इक्वल टू माइनस वन प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तब देखिए, यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब फोर्थ इक्वेशन क्या है, इसे हमने थर्ड इक्वेशन दे दी, अब फोर्थ क्या है, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम है, यहाँ पर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम है, तो थ्री डब्ल्यू यहाँ पर लिख दिया, थ्री डब्ल्यू इक्वल टू टू डब्ल्यू प्लस थ्री, थ्री डब्ल्यू इक्वल टू टू डब्ल्यू प्लस थ्री से हमने कंपेयर किया, तो थ्री डब्ल्यू अब ये प्लस का टू डब्ल्यू इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो थ्री डब्ल्यू माइनस टू डब्ल्यू कितना हो जाएगा, सिर्फ डब्ल्यू बचेगा वन डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ इक्वल टू में कितना है थ्री, तो डब्ल्यू के लिए कितनी आ गई थ्री और एक्स के लिए तो हमारे पास टू आ गई, हमने दो वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें एक्स और डब्ल्यू की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, अब हमें वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अब हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या थी हमारी, थ्री वाई इक्वल टू सिक्स प्लस एक्स वाई, तो इसमें हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो सबसे पहले थ्री वाई एज इट इज़ नोट करेंगे, फिर यहाँ पर जो प्लस का वाई इसे हम इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो थ्री वाई माइनस वाई इक्वल टू सिक्स और एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर अभी पहले हमारी क्या आई थी, एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में टू, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट की वैल्यू पुट एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो कितनी टू, तो थ्री वाई माइनस वाई कितना हो जाएगा टू वाई इक्वल टू सिक्स प्लस टू हो जाएगा एट, तो y का टू इंटू में है y के, तो इधर एट के अपॉन में चला जाएगा y सॉरी टू, तो टू से एट फोर टाइम कट जाएगा तो y के लिए कितनी आ जाएगी फोर। अब एज इट इज़ हम क्या था, एक और इक्वेशन नंबर थर्ड थी, तो देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड क्या थी हमारी, थ्री जेड इक्वल टू माइनस वन प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यानी कि अब थ्री जेड एज इट इज़ नोट करेंगे, यहाँ पर ये प्लस का z है, इसे इधर इधर भेजेंगे तो ये माइनस का z हो जाएगा इक्वल टू माइनस वन और w की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास थ्री, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर पुट कर दी माइनस वन प्लस थ्री। अब थ्री जेड माइनस जेड कितना हो जाएगा टू जेड इक्वल टू माइनस वन प्लस थ्री कितना हो जाएगा थ्री माइनस वन का जाएगा टू, तो
टू जेड इक्वल टू टू, तो टू इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन। तो देखिए यहाँ पर हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई टू, वाई की वैल्यू आ गई फोर, जेड की वैल्यू आ गई वन और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई थ्री। ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर टेंथ में हमें ए का मैट्रिक्स दिया है, मतलब ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू दी है हमें, इन तीनों के मैट्रिक्स दिए हैं पर हमें क्या बोला है, देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी, ऑल्सो शो देट ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें ए प्लस बी की वैल्यू बतानी, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है और बी माइनस सी की वैल्यू बतानी है। ऑल्सो हमें क्या बोला है कि हमें क्या प्रूफ करना है, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी हमें प्रूफ करना है। तो देखिए अब सबसे पहले हमें क्या बोला था, ए प्लस बी निकालना था। तो देखिए हम सबसे पहले ए प्लस बी निकालेंगे, तो हमने यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दी मैट्रिक्स में, ए की वैल्यू प्लस यहाँ पर हमने बी की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी वो हमने पुट कर दिया। देखिए ए प्लस बी करना है, तो देखिए अब फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को फर्स्ट रो के एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो वन प्लस थ्री हो जाएगा फोर, टू प्लस माइनस वन, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस वन, तो टू माइनस वन कितना हो जाएगा वन, और प्लस का टू है तो डिजिट प्लस वाली बड़ी है तो प्लस का वन आ जाएगा वन। फिर यहाँ पर फर्स्ट रो का है थर्ड कॉलम है, यहाँ पर फर्स्ट रो का है थर्ड कॉलम है, तो माइनस थ्री प्लस टू कितना आ जाएगा, माइनस की डिजिट बड़ी है तो माइनस का वन। फिर यहाँ पर है सेकेंड रो में, अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है फाइव यहाँ पर, और यहाँ पर है फोर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो फाइव प्लस फोर हो जाएगा नाइन, फिर जीरो प्लस टू हो जाएगा टू, फिर टू प्लस फाइव हो जाएगा सेवन, फिर वन, अब थर्ड रो में वन प्लस टू थ्री, माइनस वन प्लस जीरो, अब माइनस वन प्लस जीरो तो कितना आ जाएगा माइनस वन, अब वन प्लस थ्री हो जाएगा फोर। ये हमारी ए प्लस बी की वैल्यू आ गई, हमने ए प्लस बी का मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। अब हमें नेक्स्ट क्या बोला था, बी माइनस सी फाइंड करना है। तो देखिए अब बी माइनस सी फाइंड करेंगे, तो बी की वैल्यू लिख लेंगे क्वेश्चन में से और सी की वैल्यू लिख लेंगे। अब देखिए बी और सी की वैल्यू लिख ली हमने और माइनस लगा दिया, अब माइनस लगा दिया, अब देखिए माइनस करेंगे तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो फर्स्ट रो का और फर्स्ट रो को, अब देखिए एक तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर भी थ्री रो है और थ्री कॉलम है, यहाँ भी थ्री रो है थ्री कॉलम है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो रहा है थ्री इंटू थ्री का। तो देखिए अब बी माइनस सी करेंगे तो थ्री माइनस फोर कितना आ जाएगा माइनस वन, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को यहाँ भी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को ही कंपेयर करते हैं। देखिए थ्री माइनस फोर इक्वल टू माइनस वन, फिर माइनस वन माइनस वन, तो माइनस वन हो जाएगा माइनस टू, देन टू माइनस टू हो जाएगा जीरो, प्लस का टू और माइनस का टू है तो जीरो हो जाएगा। देन हमारे पास क्या है कि अब सेकेंड रो में फोर है यहाँ पर जीरो है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो फोर माइनस जीरो हो जाएगा फोर, फिर टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री हो जाएगा माइनस वन, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी होगी यहाँ पर, ये माइनस का थ्री आएगा तो माइनस वन, देन फाइव माइनस टू हो जाएगा थ्री। अब थर्ड रो के एलिमेंट से करेंगे तो टू माइनस वन, तो टू माइनस वन हो जाएगा वन, देन जीरो माइनस फिर माइनस का टू, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जीरो, प्लस टू हो जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस का टू, देन थ्री माइनस थ्री हो जाएगा जीरो, यानी कि प्लस का थ्री माइनस का थ्री तो क्या आ जाएगी जीरो। अब नाउ हमें क्या बोला था, हमें क्या प्रूव करना था, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। तो देखिए ये बी माइनस सी की वैल्यू हमने यहाँ ऊपर निकाली और ए प्लस बी की वैल्यू भी हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली, तो हम इनमें पुट कर देंगे। सबसे पहले एल एच एस लेके चलेंगे, तो ए यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, सॉरी सबसे पहले तो a की वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन में दी हुई है, प्लस b माइनस सी हमने अभी यहाँ पर फाइंड की, इस पूरी वैल्यू को यहाँ पर हमने पुट कर दी। अब देखिए इन दोनों को प्लस करना है हमें, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, तो देखिए मैट्रिक्स है तो सबसे क्या ऑर्डर सेम होना चाहिए, थ्री रो थ्री कॉलम, थ्री रो थ्री कॉलम, तो थ्री इंटू थ्री का मैट्रिक्स बन रहा है। अब देखिए क्या प्लस करना है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो ये प्लस वन प्लस माइनस वन, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो वन माइनस वन कितना आ जाएगा जीरो, देन यहाँ पर टू प्लस माइनस टू, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो टू माइनस टू जीरो, देन माइनस थ्री प्लस जीरो, तो यह जाएगा माइनस थ्री। अब देखिए सेकेंड रो है, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो फाइव प्लस फोर हो जाएगा नाइन,
देन 0 प्लस माइनस 1 कितना आ जाएगा माइनस 1, देन 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5। अब 1 थर्ड रो देखेंगे, 1 प्लस 1 2, माइनस 1 प्लस 2 1, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है तो यहाँ पर हम प्लस का 1 लिखेंगे, देन 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा 1। अब देखिए हमने LHS तो ये फाइंड आउट कर लिया, ये हमारी किसके लिए हो गई, a प्लस बी माइनस सी की, ये हमने a प्लस बी माइनस सी के लिए फाइंड आउट कर लिया। अब हम RHS निकालेंगे, तो RHS क्या दिया है हमें, a प्लस बी माइनस सी, तो देखिए a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस बी की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाल ली थी, यहाँ पर ये a प्लस बी की वैल्यू है हमारी, तो देखिए इस a प्लस बी की वैल्यू को हम नीचे पुट करेंगे, तो a प्लस बी माइनस सी, तो ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर दी और माइनस क्वेश्चन में से सी की वैल्यू पुट कर दी। तो देखिए अब इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को, तो ऑर्डर तो सेम ही है इनका, 3 × 3 का और 3 × 3 का। अब देखिए माइनस करेंगे तो फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम 4, यहाँ पर भी 4 है, 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा 0, देन 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 2, अब माइनस 1 माइनस 2 यानी कि माइनस का 3, देन 9 माइनस 0 कितना आ जाएगा 9, 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 1, 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा 5, 3 माइनस 1 2, माइनस 1 माइनस माइनस 2, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 1 प्लस 2, तो प्लस की डिजिट बड़ी है तो 1 आ जाएगा, देन 4 माइनस 3, हमेशा फर्स्ट रो के फर्स्ट रो कॉलम को हमेशा फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से कंपेयर करेंगे, ऐसे ही सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम को सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम से ही कंपेयर करेंगे, तो प्लस माइनस ही हो गया। अब देखिए हमारे ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू भी सेम आई और ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू भी सेम आई, तो LHS इक्वल टू RHS, ये हमने क्या प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव।